सुबह से वेदर ऐसा ही है, रेनी क्लाउडी और बहुत बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। आज हम रनिंग करने बाहर नहीं गए, घर में ही एक्सरसाइज किया। 3 माइल एक वॉक होता है, लेसली वॉक, वो किया। और जो मेरा नॉर्मल योगा कपालभाति रहता है वो सब किया। ऐसे वेदर में ना घूमने जाने का मन करता है मेरा, और गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है, ऑयली समथिंग, लेकिन ऑयली अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि आज चलो ये ओट्स बनाया जाए, मसाले वाला ओट्स बनाऊंगी। ये मेरे पास ओरिजिनल प्लेन ओट्स था जिससे मैं बना रही हूँ। तो इसमें एज यूजुअल जो नॉर्मल वेजिटेबल घर में अवेलेबल है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे गाजर और कैप्सिकम है, अनियन तो हम लोग डालते ही हैं। तो वही सब ऑयल में डाल करके उसे भून रही हूँ, और गर्म पानी डाल करके ये वेजिटेबल को कुक कर रही हूँ। और मैंने पहले ही ग्राउंड नट को डीप फ्राई करके निकाल लिया था, और साथ में मैंने ड्रैगन फ्रूट एवोकाडो काट लिया है, और प्लेट में घी रखा है। घी के ऊपर मैं ये ओट्स डाल रही हूँ, मसाला ओट्स, और उसके ऊपर जो पीनट रोस्ट किया था वो डाल रही हूँ। और अब ये यम्मी सा ब्रेकफास्ट रेडी है। मैं एंड्रू को भी बुला लेती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। और आज मैंने कटोरा बनाया है, मैंने प्लेट नहीं बनाया है। ओह, कटोरी बनाया है ड्रैगन फ्रूट का। ठीक है, वेरी गुड। तो कटोरा खाना आज। ओके। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं। और अभी बज गए हैं 3:30 आफ्टरनून, और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। आज मैंने सोचा है कि थोड़ा डिफरेंट डिनर बनाऊंगी। तो डिनर में मैंने केरला स्टाइल एग करी बनाने का सोचा है, कोकोनट मिल्क डाल करके, और साथ ही बनाऊंगी पराठा। वहाँ पे परोटा का कॉम्बिनेशन है, बट मैं बनाऊंगी पराठा, और उसके साथ मैं बनाऊंगी राइस नूडल्स। राइस नूडल्स वहाँ पे कैसे इडियप्पम बोलते हैं, लेकिन अभी तो मेरे पास वो सब अवेलेबल नहीं है, जो उसका सांचा वगैरह होता है ना वो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ राइस नूडल जो मैंने मार्केट से बाय किया था उसी को मैं पानी में नमक के साथ बॉयल करूंगी। तो लेट्स सी कैसा टेस्ट आता है इसका। तो चलिए बनाते हैं आज का डिनर। जो राइस नूडल बोल रही हूँ वो ये है, रेडीमेड ही है, इसी को मैं यूज करूंगी। अनियन, टमाटो, कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली को कट कर लिया है, और करी पत्ता को भी धो लिया है। ये मैं ट्रेडर जो का कोकोनट क्रीम यूज करूंगी, ये पहली बार यूज कर रही हूँ। तो देखती हूँ, अगर थिक रहा तो कम डालूंगी, अगर थिक नहीं रहा तो हाफ डालूंगी, और हाफ को फ्रीजर में रख दूंगी, नेक्स्ट टाइम यूज करूंगी, क्योंकि एग मैं 3 ही यूज कर रही हूँ। यहाँ पर एक बाउल में मैं जैसे हर दिन करती हूँ, ऑलमोस्ट हर दिन करती हूँ, तो यहाँ पे हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, लाल मिर्च तीखा नहीं है, ये सिर्फ कलर के लिए है, और ये कांदा लहसुन का मसाला, और ये एक और कोई मसाला था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उसको यूज़ कर लेती हूँ, घर में रखे रखे बहुत दिन हो गया है, तो वो भी यूज़ कर लूँगी। ये भी गरम मसाले की तरह ही है। और थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी डालूँगी, ये मेरा स्टाइल है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो बनता है। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी और भीगने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, अंडा छीलते छीलते मैंने अंडे का क्या हाल कर दिया, जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने इसको ऐसे पूरा स्किन निकाल दिया इसका। बट एनीवे, तोड़ के ही खाना है तो दैट्स ओके। बट मुझे ना ऐसे प्लेन अंडे अच्छे नहीं लगते करी में, तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। लेकिन केरला की रेसिपी में, ओरिजिनल रेसिपी में, इसको फ्राई नहीं करते, ऐसे ही डालते हैं एग को। तो अंडा को तलने से पहले इस पे थोड़े से स्लिट लगा लेने हैं, नहीं तो ना फट के मुंह पे आने के चांसेस रह सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि अंडे को बनाते समय कि इसे थोड़ा थोड़ा काट देना है, चीरा लगा देना है एक्चुअली। यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, और इस पे अभी ऑयल डालूंगी गरम करने के लिए। इस पे मैं नारियल तेल डाल रही हूँ और इसे गरम करूंगी। यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, तो अब मैं एग को डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। और ना एग थोड़ा बहुत भी गीला रहता है तो पानी छिट करके बाहर आता है, तो इसके लिए मैं इसको ढक दूंगी तो पानी ना आए बाहर, और बीच बीच में चेक करते रहूंगी। अभी एग फ्राई हो गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो तेल गरम ही है पैन में, तो इसमें थोड़ा राई डाल देती हूँ और उसको तड़कने देती हूँ। अब यहीं पर डाल दे रही हूँ अनियन को,
अनियन के साथ साथ करी लीव्स भी डाल रही हूँ और साथ ही डाल रही हूँ ग्रीन चिली और इसे थोड़ी देर कुक करूँगी। अनियन का कलर चेंज हो गया है तो अब यहीं पे मैंने जो मसाले भिंगोए थे वो डाल दूँगी और इसे कुक करूँगी। मसाले को अच्छे से भूनना है और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्याज का कलर है वो चेंज ना हो, बस वो थोड़ा सा पिंकिश कलर हो जाए। मसाले से जब तक तेल सेपरेट हो जाएगा तब तक मैं इसको भूनूंगी। यहाँ पे मसालों से तेल अलग हो रहा है तो मैं टमाटर डाल दूंगी और टमाटर के बाद इसमें डाल दूंगी नमक और मिक्स करूंगी और टमाटर को गलने तक पकाऊंगी। अब यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है तो मैं गैस को थोड़ा धीमी कर दूंगी और उसके बाद डाल दूंगी कोकोनट क्रीम को। मैं हाफ ही डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और डालती हूँ। लग रहा है ना, परफेक्ट लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं एग को डाल देती हूँ। ये धनिया वाले में मैंने एग रख दिया था इसलिए धनिया के पत्ते आ गए हैं। और अब इसे मैं ढक दूंगी उबलने के लिए। अब ये कोकोनट वाला एग रेसिपी रेडी है। गैस बंद कर दूंगी और उसके बाद इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ता और मिक्स करके अब ये रेडी है खाने के लिए। तिकोना पराठा घी में बहुत पसंद है और ये एग करी और ये राइस नूडल्स और ये मैंने जो पिकल बनाया थे लेमन पिकल वो। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं आज का डिनर। ये जो इस वॉल में डेकोरेशन हुआ है तो यहाँ पर ऊपर ना हीटर है हमारे घर का, तो हीटर चला रहा है ना तो इसमें स्मेल आ रहा है इस वायर में, तो मुझे इस डेकोरेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। मोस्टली इसको उधर थोड़ा वॉल में खिसकाना पड़ेगा, तो जगह है उस तरफ तो खिसका तो लूँगी लेकिन पता नहीं कैसा दिखेगा। और हाँ, ये जो ये वाला वॉल है इस तरफ का, तो यहाँ पर मुझे कुछ लगाना पड़ेगा लाइट्स वगैरह, तो अभी मैंने मंगा लिया है लाइट, यहाँ पर बस वो मुझे लगाना है अभी, तो चलिए लगाती हूँ आप लोग के साथ। ये डेकोरेशन को मैं अभी चेंज कर रही हूँ तो इसमें मैं स्ट्रिंग लाइट लगा रही हूँ और पहले का जो डेकोरेशन था उसका कुछ पार्ट हटा दिया है मैंने। ये जो स्ट्रिंग लाइट है इसको डबल कॉलम में करूँगी क्योंकि जो स्ट्रिंग का कॉलम है वो काफ़ी सारा है तो उसे मैं यूज़ करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। और ये मैं पुष्पिन की हेल्प से लगाई हूँ ऊपर और अभी चला दी हूँ लाइट को। बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम सुंदर दिख रहा है मुझे। और नीचे नीचे स्ट्रिंग को खींच रही हूँ क्योंकि ये जब रोल था तो नीचे आया नहीं था तो उसे मैं नीचे की तरफ करके बराबर कर रही हूँ। फाइनली ये वाला बॉल ऐसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है रात को। वॉल के डेकोरेशन से यहाँ लास्ट के दो स्ट्रिंग हटा दिए मैंने क्योंकि ये हीट हो रहा था, तो ऐसे फिर से डेकोरेट कर दिया तो अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ पर ना इंटरनेट का वायर है जिसको छुपाने के लिए मैंने ये बड़ा सा लगाया हुआ है, बट स्टिल वो बाहर दिख रहा है। यहाँ पर का थोड़ा अरेंजमेंट चेक करूँगी फिर से एक बार, बट अच्छा लग रहा है। आज जो मैंने डिनर बनाया था बहुत टेस्टी और यमी बना था, जो केरला स्टाइल कोकोनट करी बनाया था एग डाल करके, यमी था। और जो इडियप्पम का सब्स्टिट्यूट बनाया था मैंने राइस नूडल को, वो भी बहुत टेस्टी लगा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है उसके साथ में। लेकिन मुझे पराठे के साथ इतना अपीलिंग नहीं लगा जितना कि मुझे इडियप्पम और केरला स्टाइल एग करी लगेगा, बहुत यमी था।
तो आप लोग भी कभी ट्राई करना इस रेसिपी को मेरे चैनल से देख करके, या भी कहीं जो रेसिपी चैनल्स आती है उससे भी देख करके ट्राई कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है। और हाँ, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो एग की जगह पे वेजिटेबल डाल सकते हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ वेजिटेबल, जैसे कि कैरेट हो गया, कैप्सिकम हो गया, अनियन खाते हैं तो अनियन डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, ऐसे वेज भी बना सकते हैं। चलिए, अब आज के लिए किचन का काम खत्म। लाइट बंद कर दिया है, पूरा काम खत्म कर दिया किचन का। अब थोड़ा रिलैक्स करूंगी, वीडियो एडिट करूंगी और टीवी भी देखूंगी। आज बहुत दिनों बाद मन किया है टीवी देखूंगी। और अभी बज रहा है 7:40 हो रहा है, तो अभी मेरे पास 1-2 घंटे का टाइम है, तो वीडियो एडिट करके शेड्यूल कर दूंगी। उसके बाद जाऊंगी सोने के लिए और इन बिटवीन टीवी भी देखूंगी। तो अभी घर बहुत अच्छा लगने लगा है, ये देखिए, ऐसे डेकोरेशन डेकोरेशन के कारण ना थोड़ा अच्छा लगने लग रहा है, क्रिसमसी लुक लग रहा है। और यहाँ पे ना टीवी के पास का जो टेबल कवर मैंने चेंज कर दिया, ये महेंद्रू का आइडिया था एक्चुअली। इसके ऊपर पेपर लगा हुआ था व्हाइट कलर का और टेबल था, तो मैं कुछ नीचे रखती थी ना तो वो दिखता था, शूट वूट करती थी, अच्छा भी नहीं लगता था और सामने भी ऐसे बैठने से अच्छा नहीं लगता था। तो महेंद्रू ने बोला कि ये टेबल क्लॉथ जो लेके आया हो वो आप यहाँ पे लगा दो, तो ये भी अब लुक बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक एक महिंद्रा भी सीख रहे हैं मेरे साथ साथ, या मैं महिंद्रा से सीख रही हूँ पता नहीं, लेकिन कर तो रहे हैं घर का डेकोरेशन। और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजर गया, लेकिन आज वेदर बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ठंडा लगा और क्लाउडी था, रेन था हर टाइम एक जैसा ही। जैसे शाम होते तक ना, जैसे सुबह दिख रहा था बाहर वैसे ही शाम होते तक दिखा है, तो बहुत ज़्यादा वेदर खराब था आज। और अब तो रात हो गया है, कल एक नए दिन के साथ नया वेदर एंजॉय करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।